जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आप लोगों के लिए जैक सरकार की तरफ से एक नोटिस आया हुआ है जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। और ये नोटिस है क्लास 10th और 12th के लिए एग्ज़ाम डेट। आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुका है। ये पूरी तरह से ऑफिशियल है और ये ऑफिशियल न्यूज़ आया हुआ है सरकार की तरफ से कि आप लोग का एग्ज़ाम का रूटीन दे दिया है, शेड्यूल आ गया है। तो आज से जो है आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ लिखा भी है, व्यावसायिक शिक्षा से शुरू होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं। देखिए यहाँ पे छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, झारखंड एकेडमी काउंसिल ने 2024 में होने वाली मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। बिल्कुल जी हाँ, आ चुका है शेड्यूल जो है वो आ चुका है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बारे में। परीक्षा जो है वो ओएमआर सीट पर और लिखित रूप में दोनों रूप में होगी। मैट्रिक की परीक्षा जो है वो प्रथम पाली पर जो कि सुबह 9:45 में शुरू होगा और 1:05 में खत्म हो जाएगा, जबकि इंटर की जो परीक्षा है वो दूसरी पाली पे स्टार्ट होगा जो कि दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और 5:20 में खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग का शेड्यूल दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बताते हैं कि आखिर इसका क्या है। आगे बताने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि एग्जाम का डेट तो आ चुका है और ये कब से है ये भी आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग का तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए और जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप लोगों के पास मात्र अभी 2 महीना बचा हुआ है तो हमारे साथ बने रहें और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग की सारी तैयारी जो है हमारी SR एकेडमी की ग्रुप के तरफ से आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए नोटिस देख लेते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। नोटिस देखिए, 6 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 6 तारीख को आप देखिए यहाँ पर जो लाइन फर्स्ट लाइन बना हुआ है वो आप लोग के लिए 10th के लिए है और सेकेंड टर्म में जो है आपके 12th के लिए है। 6 तारीख को जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वो IIT और अदर्स वर्कनल सब्जेक्ट जो बन रहा है उसके लिए है। आप इससे पहले ये देख लीजिए कि OMR सीट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दोनों आने वाला है। OMR सीट जो है वो 9:45 से स्टार्ट हो जाएगा जो कि 11:20 में ले लिया जाएगा और 11:25 से स्टार्ट होगा, 5 मिनट का ब्रेक दे रहा है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका 1:05 में खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा आपका 12th का जो सेकंड सिटिंग का है, 2 बजे स्टार्ट होगा। 3:35 में आप लोग से ऑब्जेक्टिव वाला ले लिया जाएगा और उसके बाद आंसर बुक मिलेगा जो कि 3:40 यानी 5 मिनट गैप यहाँ भी दिया गया है। तो 6 तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है, आप लोग सब्जेक्ट देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 7 तारीख को देखिए वाणिज्यिक और गृह साइंस 10th के लिए है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट दिया हुआ है 12th के लिए, सेकंड सिटिंग में बना हुआ है। हिंदी इंग्लिश आप लोग का जो भी पेपर है उसके लिए 7 तारीख को हो गया। देखिए 8 तारीख में देखिए आप लोग का खरिया है, खोटा है जो क्लास 10 के लिए है, जबकि 8 तारीख को जो है आप लोग का कोर पेपर है। देखिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग का कोर पेपर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। 7 तारीख से कोर पेपर स्टार्ट है, कंपलसरी कोर पेपर है और दोनों में देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं IA के लिए है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो 7 तारीख को जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है वो IA के लिए कोर पेपर होगा, जबकि कोर पेपर साइंस और कॉमर्स के लिए जो है वो कोर पेपर यहाँ से स्टार्ट होगा और आर्ट्स के लिए जो है वो म्यूजिक पेपर स्टार्ट है। यानी आर्ट्स वाला जो बच्चे हैं उन लोगों का एग्जाम 7 से स्टार्ट हो जा रहा है जिसका वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है, वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है उसके लिए। और ऐसे अगर देखा जाए तो इधर बच्चों का कोर पेपर है तो यानी कि 7 तारीख से आप लोग का आर्ट्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है, आर्ट्स का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जबकि साइंस और कॉमर्स के लिए जो है वो आप लोग का 8 से स्टार्ट हो रहा है। 9 से देखिएगा, 9 में देखिए अरबी है, फारसी क्लास 10 के लिए है, जबकि आर्ट्स के लिए जो एडिशनल सब्जेक्ट है यानी इलेक्टिव लैंग्वेज जो वो स्टार्ट हो रहा है और जो बच्चे साइंस और कॉमर्स में जो एडिशनल सब्जेक्ट लिए उनका लिए स्टार्ट हो रहा है। 10 फरवरी में जो है उर्दू, बंगला, खोटा जो ये सब के बारे में दिया गया है, जबकि आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। 12 तारीख को सामाजिक विज्ञान है क्लास 10 का, ऊपर से 7-6 से जो स्टार्ट हो रहा है तो आप लोगों का सब्जेक्ट तो अधिकतर बच्चों का नहीं होता है, लेकिन आप देखिएगा तो अधिकतर बच्चों का जो सब्जेक्ट होता है वो आप लोग का सोशल साइंस होता है। यानी पहला एग्जाम देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 12 तारीख को क्लास 10 के लिए है। आर्ट्स के जो बच्चे हैं आप देखिए जियोग्राफी का सब्जेक्ट है और बाकी कॉमर्स और आर्ट्स के लिए जो कॉमर्स और साइंस के लिए जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट हो रहा है। 13 तारीख को संगीत है जो क्लास 10 के बच्चों का नहीं है, क्लास 10 के बच्चों का है लेकिन संगीत बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है। हिस्ट्री आप लोग का स्टार्ट हो रहा है जो कि 13 को ही है। आगे देखिएगा 16 तारीख को जो है गणित है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 12 है, फिर 16 है, उसके बाद गैपिंग दे दिया है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15, 3 दिन का गैप मिला हुआ जो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। जबकि 16 में देखिए आपका साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए आर्ट्स का सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। 17 को देखते हैं, 17 को कोई एग्ज़ाम नहीं है, 17 गैप है, 18 का गैप है और 19 को है, 19 को हिंदी का है क्लास 10th के लिए।
जबकि यहाँ पे साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए एक एक सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, उस हिसाब से एग्जाम होगा। 20 तारीख को कुछ भी नहीं है, 21 को देखिए साइंस का एग्जाम होगा क्लास 10 के लिए, जबकि साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए जो मैथमेटिक्स जो भी बच्चे लिए होंगे उनके लिए होगा। 22 तारीख कोई भी एग्जाम नहीं है, 22 तारीख को इधर देखिए एक का एग्जाम है, जो कि 23 तारीख को संस्कृत है, और 23 तारीख को जो है इधर तीन सब्जेक्ट जो है ट्वेल्थ के लिए है, और 26 तारीख लास्ट जो है वो आप लोग का इंग्लिश से और आर्ट्स के लिए जो कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो रहा है। यानी आप लोग एग्जाम देखेंगे तो 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 6 से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जो कि 26 तारीख को आप लोग का एग्जाम खत्म हो रहा है। तो आप लोग के पास अब समय बचा हुआ है मात्र 2 महीने का, आप लोगों को अब जम के तैयारी करना है 2 महीने तक में से, और ये सारा तैयारी जो है हमारे यूट्यूब चैनल द एसआर एकेडमी में करवाया जाएगा। तो आप लोग ग्रुप के साथ बने हुए रहिए। थैंक यू। जय हिंद।